नालागढ़ में दो सगे भाइयों की निर्मम हत्या मामले को लेकर एसएसपी बद्दी मोहित चावला द्वारा नालागढ़ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए एसएसपी बद्दी मोहित चावला ने कहा कि पुलिस ने 72 घंटे में ब्लाइंड डबल मर्डर केस को सुलझा लिया है और मामले में सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके आगामी जाँच शुरू कर दी है। मोहित चावला ने कहा कि पुलिस ने बीती रात आरोपी गौरव गिल व इंद्रजीत सिंह इंदा को अमृतसर स्वर्ण मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है और साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को अमृतसर गुरुद्वारे से कब्जे में ले लिया है। उन्होंने कहा कि मामले में एक अन्य आरोपी जिसका नाम आकाशदीप सिंह बिल्ला को नकोदर के पास खीवा गांव से गिरफ्तार किया गया है। पूरे हत्या के मामले में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 3 आरोपियों को नालागढ़ कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड लिया जाएगा और उसके बाद पूछताछ में अहम खुलासे होने की पुलिस को उम्मीद है। मोहित चावला ने कहा कि इन सभी आरोपियों का जब क्राइम रिकॉर्ड चेक करवाया गया तो पाया गया कि इन आरोपियों के ऊपर पहले भी पंजाब में कई मामले दर्ज हैं। एक आरोपी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर 307 के तहत मामला दर्ज है और एक आरोपी पंजाब पुलिस के कपूरथला से भगौड़ा, जिसको न्यायिक हिरासत भेजने के बाद पंजाब पुलिस को सौंपा जाएगा। मैं इसमें बताना चाहूंगा, हमारी 3 टीम जिसमें काम कर रही थी, उन तीनों युवकों को हिमाचल पुलिस की टीम ने अमृतसर पुलिस की टीम के साथ अमृतसर से हरमंदर साहब के पास से नैप कर लिया है। गौरव गिल, इंद्रजीत उर्फ इंदा, आकाश दर्प उर्फ बिल्ला, ये शाहपुर जलंधर के रहने वाले हैं और जो डिसीज्ड हैं उनके नोन थे, उनके साथ स्कूल में पढ़े थे, अच्छी मित्रता थी, आना जाना था। बट पिछली जून को जब ये कुल्लू मनाली गए 21 या 23 के आसपास, इनका कुछ पैसे को लेकर विवाद हुआ, वो लंबा चलता रहा और 10 तारीख को गौरव गिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया और डिसीज कम टू द इंजरीज। क्या पहलू रहे, किस बात पे दुश्मनी इतनी बड़ी, क्या प्लानिंग थी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन है। एक बात मैं रखना चाहूँगा सामने, जब ये 10 तारीख को ब्लाइंड मर्डर केस था तो एक हिमाचल की बेटी देर शाम को उन्होंने पुलिस को सहयोग किया, अपने पिताजी के साथ आई और उन्होंने आइडेंटिफाई किया, जिससे इस केस में एक मेन ब्रेक थ्रू मिला, जो आज इंसाफ हम तीनों लड़कों को पकड़ने में कामयाब रहे। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि बीबीएन क्षेत्र में हम सीसीटीवी को पेनिट्रेशन और बढ़ा रहे हैं। नालागढ़ को तो पिछली तिमाही में बेस्ट पुलिस स्टेशन का स्टेट में अवार्ड भी मिला। 3 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर एक ब्लाइंड केस को सॉल्व किया। बीबीएन के लिए, बीबीएन पुलिस के लिए हमारे सिटीजन सबसे फर्स्ट हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी फर्स्ट है, हम इस नारे के साथ कायम रहेंगे। बद्दी से रजनीश ठाकुर की रिपोर्ट।